जनपद अयोध्या में मैं इस समय मौजूद हूँ और मैं यहाँ से आज आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मंदिर प्रभु श्री राम लला का बन रहा है उसे मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं वही मंदिर दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो ठीक उसी मंदिर को मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब मैंने मैं लाइक क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। आप से देख सकते हैं यह मंदिर दिख रहा है, यह देख सकते हैं आप सभी को जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यह देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। जो मंदिर बन रहा है ठीक वही मंदिर दिखाई दे रहा है और भी आप सभी को जूम करके दिखा सकता हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों, और देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेजी से। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यह बन रहा है। यहाँ पे यह रोड है और यह नई दीवार बना हुआ है। तो दीवार के उस पार से यह रास्ता है, रास्ता से आप लोग ऐसे जा सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मेरे आसपास देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। और देख सकते हैं लोग वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आप सभी को मंदिर देखने में अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है। आइए आप सभी को आगे दिखा रहे हैं। जो मंदिर पर जाने के लिए जो रोड बना है उसे भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेज चल रहा है। यहाँ से देख सकते हैं इसमें से प्रवेश करने के लिए यह बन रहा है। देख सकते हैं 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उससे पहले काफी तेजी से काम चल रहे हैं यहाँ पर। मात्र 21 तारीख तक यह काम समाप्त करना होगा, इसलिए तेजी से काम चल रहा है। पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पे काफी तेजी से दिखाई दे रहा है। आयो ज्यादा यह देख सकते हैं दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर दिखाई दे रहा है यही वह मंदिर है। आप सभी को बहुत ही करीब से जूम करके दिखा पा रहा हूँ और जूम करके दिखाएंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का नजारा मंदिर का। आप लोग 22 जनवरी के दिन आए और इस मंदिर पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें तो इस तरह से यह मंदिर बन रहा है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है जिसे मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी खूबसूरत मंदिर यह बन रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी को यहाँ से प्रभु श्री रामलला का मंदिर करीब से दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ से बहुत नजदीक में दिखाई दे रहा है। यह देखेंगे यह प्रभु श्री रामलला का यह भव्य मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे यह रास्ता है जो कि यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ेगा मंदिर में। और यहाँ पे जो कंपनियां काम में लगी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्कैनिंग होगा वो बन रहा है यहाँ पर। यहाँ की पुरुष और महिला दोनों लोगों को यहाँ पे स्कैनिंग देना पड़ेगा, हो सके तो यहाँ पे अपना आईडी देना पड़ेगा तब मंदिर प्रवेश किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही चौड़ा यह रोड बना हुआ है जो कि सीधे मंदिर में जाने के लिए। तो काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है
और जो की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही तेजी से काम करवाने का प्रयास किया है यहाँ पर, जो कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और उससे पहले ही यहाँ पे इतना तेजी से काम चल रहा है कि 22 तारीख से पहले तैयार करके दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो लगी हुई यहाँ पर जोर शोर से काम चल रहा है। तो आज मैं अयोध्या धाम पे मौजूद हूँ। अयोध्या धाम पे मौजूद होने के बाद आप सभी को यहाँ पे राम मंदिर दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, चौड़ा रोड बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं सारे पुलिस यहाँ पे तैनात हुए हैं। यह मेन रास्ता है जाने के लिए, देख सकते हैं काफी चौड़ा रास्ता है, पुलिस तैनात है यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे चौराहे पर पुलिस नजर आ रही है। तो यहाँ से सबको अलाउ नहीं किया जा रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल रहे उसे अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो काफी यहाँ पे भीड़ भी है दोस्तों वीडियो बनाने वालों का। तो देख सकते हैं इस तरह से मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी के दिन होने वाला है। तो आप लोग 22 जनवरी के दिन जरूर आए और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें। मैं यूट्यूब चैनल से विजय विक्टोरिया आयो दोस्तों, मंदिर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।